गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना? तो आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम। लादे लादे कैसी लगी दोस्तों लाखेश जी की नकल? ठीक मार ली ना मैंने लाखेश जी की नकल? ऐसी बोलते हैं ना लाखेश जी शुरुआत में जब आते हैं कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप, है ना? आज मैंने उनकी नकल मार ली है। तो दोस्तों एक बात बताओ, मैं शुरू शुरू में आने लगा हूँ, आपको अच्छा लगता हूँ या बुरा लगता हूँ बता दो? अगर अच्छा लगता हूँ तो देखो बहुत बार आता रहूंगा, और अगर बुरा लगता हूँ तो मैं कल ही गायब हो जाऊंगा। तो दोस्तों बता देना, है ना? ऐसे मेरे दोस्त हो, मुझे बुरा थोड़ी बताओगे, अच्छा ही बताओगे यार, मैं तो अच्छे अच्छे काम करता हूँ ना। तो दोस्तों अच्छे काम के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो शुरू होते ही, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना वो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन पे ना वो घंटा होता है उसे दबा दो। उसे क्या होगा कि जो भी राकेश जी की वीडियो आएंगी ना वो आपको एकदम से पता लग जाएगा और आप एकदम से देख लोगे, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, राकेश जी आले, रुको रुको अरे नहीं नहीं मैं कल की तरह नहीं कहूंगा कि राकेश जी आले आले आले, पर राकेश जी खुद ही आ जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे? आप लोगों के दोस्त हो, आप उनके दोस्त हो, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया मस्ती मारने के लिए। तो लो राकेश जी से बात करो, राकेश जी घूम ले छत पे, छत पे घूम ले, छत पे बावला हो गया, छत पे, छत पे घूम ला। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना? तो आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों आज का ब्लॉग जो होता वो शाम को शुरू होता, अदरवाइज रोज शुरू सुबह सुबह शुरू हो जाता। लेकिन अबे यार तू क्या कर रहा है? तू देखो इसका डांस, अपनी बात में बाद में करूँगा, इसका डांस देखो पहले आप। अबे डांस डांस गो, घूम रो घूम रो, शाम रंगे घूम रो घूम रो घूम रो। अरे बगी ये क्या कर रहा तू? अबे नो 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 नो। तो दोस्तों इसका तो चलता रहेगा, ये तो बावला हो गया, बावला हो गया। हाँ तो मैं बता रहा था दोस्तों, आज बाबा रे बाबा, अब तक की हिस्ट्री में सबसे ठंडा दिन है इस सीजन का, बहुत ही गजब ठंड पड़ रही है दोस्तों, बिल्कुल चिल्ड हो रहा है। कोई मनाली, कोई शिमला, कोई कश्मीर जाने की आपको जरूरत नहीं है, हमारे मेरठ में ही ना जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कहते हैं प्रचलित है दिल्ली की सर्दी है, लेकिन दिल्ली से भी ज्यादा सर्दी हमारे यहाँ मेरठ में पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप उत्तराखंड की तरफ को चलते हैं सर्दी बढ़ती चली जाती है। तो दिल्ली हमसे खुद कुल 65 किलोमीटर और आ गया, तो हमारा टेम्परेचर दिल्ली से कम रहता है। तो दोस्तों आज सुबह से मुझे ब्लॉग बनाना था और आपके लिए एक वीडियो बनानी थी, जो आप लोगों को बताया कि मैंने परसों एक वीडियो डाली थी और आपसे वादा कर रहा था कि कल आपको जरूर बताऊंगा कि आपकी नज़र में कौन सा डीजे नंबर वन है, किसके कमेंट सबसे ज़्यादा है, किसको लोगों ने अच्छा बताया, किसकी बेस अच्छी बताई, किसकी टॉप अच्छा बताया, या किसकी वाइब्रेशन अच्छी बताई है, या किसकी ट्यूनिंग अच्छी बताई है, जो भी एक्स वाई जेड, इस तरह से जो भी कमेंट आएंगे मैं आपके अकॉर्डिंग उसको जवाब दूंगा। तो रहो तैयार, ब्लॉग शुरू हो रहा है और मैं बताने वाला हूँ कि किसने क्या बोला और किसके कमेंट कितने ज़्यादा हैं, किस परसेंटेज में किसको पसंद करा लोगों ने, आप सब लोगों ने, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना कि किस डीजे के चाहने वालों के कमेंट सबसे ज़्यादा आए हैं, तो अगर बात करी जाए इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों के मुंह से खुद निकल जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा कमेंट्स किसके आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा डीजे को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले डीजे का नाम है हाँ वही जो आप लोग कह रहे हैं, अमर डीजे। तो अगर मैं अपने ब्लॉग्स की बात करूं और अपने वीडियो पे कमेंट की बात करूं तो बाढ़ आ जाती है, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं ना तो उस पर बाढ़ आ जाती है अमर डीजे के चाहने वालों की। और अगर हम ये कहें कि एक एवरेज निकाले कि भाई 100 मैसेज आए तो 100 में से भाई साहब 90 मैसेज अमर के होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं 90% हो जाता है कि 90% अमर के चाहने वाले हैं। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ पसंद की कि कौन सा डीजे सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो 8% की बात करें तो वो अमर कहलाता है। अमर के चाहने वाले एकदम से टूट के पड़ते हैं मेरे ब्लॉग्स पर, और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद दूसरों जो अगर कोई और यूट्यूबर कोई वीडियो डालता होगा तो उसके वीडियो पर भी इसी तरह से आई थिंक आते होंगे, बाकी वो जाने कि आते नहीं आते, लेकिन मैं अपने ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ तो अमर के कमेंट्स मेरे ब्लॉग्स पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर यहाँ की अगर हम बात लोग करी जाए तो बात आ जाती है कि हाँ और कि अमर का ब्लॉग सबसे ज़्यादा हिट रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डीजे बजता कौन सा था, इसमें कंपटीशन, इसमें कंपटीशन तो में सबसे ज़्यादा आता है। आप बात करें तो अमर और कसाना के अंदर ज़बरदस्त कंपटीशन रहता है कि भाई कौन सा डीजे अच्छा बजता है। हाँ क्लियरिटी की अगर बात करी जाए, अगर मैं बात करूँ क्लियरिटी में, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मैसेज आए कि भैया अमर की जो साउंड क्लियरिटी है बहुत ज़्यादा क्लियर बजती है। ठीक है, हाथ दुखने लगे, बात करता हूँ फिर दोबारा से। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आज के ब्लॉग्स में मैं ना सिर्फ तीन डीजे की बात करूँगा, ओनली 3 डीजे, और अगर मैं और ज़्यादा डीजे यहाँ पर ऐड करूँ ना तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर,
कि कोई वन वाला तो टू पे पहुंच जाए, टू वाला थ्री पे पहुंच जाए, या थ्री वाला वन पे पहुंच जाए, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इन तीनों की ही बात करूंगा, बाकी सारे डीजे को अभी इसमें ऐड नहीं करूंगा। अभी एट प्रेजेंट मैं मोनू को ऐड नहीं करूंगा, शर्मा को ऐड नहीं करूंगा, या आपके और बहुत सारे डीजे हैं जो अच्छे अच्छे डीजे बसते हैं, उन लोगों की मैं अभी फिलहाल कोई बात नहीं करूंगा। उनके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा, फिर वो सबका बनाऊंगा मैं। अभी सिर्फ बात चल रही है आपका अमर डीजे, कसाना डीजे और आपका धड़कन डीजे, मैं तीन डीजे की ही बात करूंगा। क्योंकि रिसेंटली जो भी यात्रा हुई है आपका, चाहे कावड़ यात्रा 2023 हमारी रही है, या उसके बाद फिर अमर, वो उसके बाद फिर मुरादाबाद कावड़ यात्रा रही है, वहां पर जो, और फिर उसके बाद शाकुंभरी भी आ जाती है। शाकुंभरी इतनी बड़ी यात्रा नहीं थी, लेकिन वहां पर भी ऐसी कंडीशन रही जैसी हरिद्वार में और मुरादाबाद वाले में रही, कि कंपटीशन सिर्फ तीन लोगों में ही हुआ, आपका अमर, धड़कन और कसाना। तो फिलहाल हम बात करेंगे इन्हीं तीन डीजे को लेकर के, कि कौन सा डीजे किस श्रेणी में कहां पर आता है। तो अभी तक मैंने बात करी कि अगर फैन फॉलोइंग की बात करी जाए तो फैन फॉलोइंग में कोई भी मात नहीं दे सकता अमर को, ये मैं दिल से कह रहा हूं, और ये बात फैक्ट भी है कि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ इशू भी आ जाते हैं, उस चीज पे मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं, और असली बात पता लगती है डीजे, जब दो डीजे एक साथ बजते हैं देखो तभी पता लगता है कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। क्योंकि अकेले अकेले जब बजते हैं तो सब अच्छे लगते हैं। अगर मैं अकेला धड़कन को सुनूं तो गजब बजता, अकेला अमर को सुनूं तो गजब बजता, अकेला अगर मैं कसाना को सुनूं तो वो भी बहुत ज्यादा गजब का ही। क्योंकि जानते सभी लोग हैं कौन बढ़िया बजता है कौन बेकार बजता है, सब लोगों को पता होता है, सुनने वाले को, जो सुनने वाला होता है। यहां एक बात और क्लियर कर दूं, सुनने वाला होता है, नोट है बिरादरी बात। अगर आप बिरादरी से पसंद कर रहे हैं तो दोस्त फिर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, आप डीजे नहीं सुन रहे हैं। अगर आप बिरादरी पे अटेंड करते हैं, चाहे बिरादरी तीन डीजे हैं, उनमें से दो एक बिरादरी के हैं, एक अलग बिरादरी का है, और मैं तीनों को ही बोलता हूँ, तीनों को नहीं दो बिरादरी रह गई है, और छोटा हो गया ब्लॉग कि सिर्फ दो ही बिरादरी रह गई। तो दोस्तों अगर आप बिरादरी वाज से दोनों डीजे को सुनते हैं तो आप डीजे के शौकीन नहीं है, आप सिर्फ बिरादरी पे मरने वाले हो। और अगर आप डीजे के शौकीन हैं तो फिर भाई साहब बिरादरी को घर पे रख के आओ, फिर है असली मजा, फिर है असली मजा। दोस्तों हाथ दुखने लगे। हाँ अब आ जाते हैं जो बहुत सारे मैसेज आए कि बेस, मैं आज भी कहता हूँ, मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि हाँ धड़कन डीजे अनुज गुज्जर की बेस बड़ी कमाल की है, गजब की बेस निकालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो दिल पे हाथ रख के बोलेगा ना, मैंने अभी बताया, जैसे अभी मैंने बात करी एक मिनट पहले कि बिरादरी को अगर घर पे रख के आओगे तो फिर ठीक है, आप भी बताओगे कि हाँ बेस में धड़कन डीजे अनुज भाई का डीजे बड़ा ही गजब का बजता है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सच है और 100% ही सच है। इन तीनों डीजे की बात चली, अभी और डीजे को नहीं जोड़ा मैंने, ठीक है ना। इन तीनों डीजे में बेस अनुज भाई की निकलती है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि डीजे और ओनर्स में कौन ज़्यादा बाजी मार जाता, तो इस दोस्तों इस चीज़ में मैं कहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर कसाना भाई टॉप पे हैं। अगर नेचर वाइज एज ए वे ऑफ टॉकिंग की बात करें जाए, वे ऑफ टॉकिंग, हाँ अभी नेचर नहीं जोड़ा मैंने, वे ऑफ टॉकिंग की मेंटेनेंस के पर्पज से और अपनी बात रखने के पर्पज से, तो यहाँ पर उमेश भाई कसाना डीजे के ओनर्स अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन कर देते हैं, और माइक पे भी जब बोलते हैं तो एक लगता है कि हाँ कोई जेन्युइन पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन बोल रहा है। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल पर कसाना भाई नंबर वन आते हैं, नंबर टू और नंबर थ्री की मैं बात नहीं करूँगा फिलहाल, ठीक है ना। दोस्तों यार आज हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है, तो ऊपर ये जैकेट पहनी हुई दो तो दुख जाते, फिर मिलता हूँ एक सेकंड बाद। तो दोस्तों कुछ बातें क्लियर हो गई, अब आ जाते हैं नेचर वाइज और काइंड हार्ट। काइंड हार्ट की और नेचर वाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मुझको अनुज भाई से ज़्यादा काइंड हार्ट वाला और दिलेर आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। देखो मैं उमेश भाई से भी दो तीन मुलाकात कर चुका हूँ, दो बार उनके घर भी जा चुका हूँ, एक बार उनके गांव में भी जा चुका हूँ। अनुज भाई के घर भी मैं सिर्फ एक बार ही गया हूँ, अपनी लाइफ में एक बार ही गया हूँ, लेकिन उनसे मुलाकातें हुई मेरी दो चार वैसे। हाँ अभी इस लेवल पर मेरी चिंटू भाई से कोई मुलाकात नहीं हुई, तो चिंटू भाई के नेचर का भी पता लग जाएगा, धीरे धीरे हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे तो उनके नेचर का भी बात कर देंगे। तो इसलिए अभी चिंटू भाई को मैं थोड़ा बैक में रखता हूँ, और उमेश और कसाना और अनुज गुज्जर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बाजी मार लेते हैं अनुज भाई। अनुज भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बिल्कुल माइंड दिमाग से काम करने वाला आदमी नहीं है, वो दिल से काम सोचने वाला आदमी, दिल से बोलता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे आदमी बहुत अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। तो ऐसे आदमी का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि वो बंदा ना अगर आप उसको नेगोशिएट करने को बोलो ना कुछ चीज़ें कि भाई यहाँ पर झुक जा या यहाँ पर ये हो जा, भाई ये बात मान ले, तो वो बंदा मान लेता, क्योंकि वो बंदा दिमाग से सोच के नहीं बोलता, दिल से बोलता, और दिल से सोचने वाले इंसान आज की दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बाजी मार लेते हैं हमारे अनुज भाई। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो उसमें अमर को टक्कर देने वाला आजू बाजू भी कोई सा भी नहीं है, ना आपका धड़कन ना आपका कसाना,
बिल्कुल ओपन माइंड से बता रहा हूँ यहाँ। और रहती है कंपटीशन की बात, तो कंपटीशन में चलता 19 और 20 का अंतर। अगर कोई कहे कि ये 20 है और वो 15 रह जाए, 16 रह जाए, 17 नहीं, 19 और 20 का अंतर रहता है। बस थोड़ा सा ही अप एंड डाउन है इन तीनों डीजे में, जब इनका आपस में कंपटीशन बसता है, गजब के बसते हैं तीनों के तीनों डीजे। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई कि तीनों डीजे टॉप के बसते हैं, बस 19 और 20 का अंतर रह जाता है, बसता पता नहीं लगता। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो वहीं पर पता लगता है कौन बेस्ट है, कौन फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, कौन सेकंड नंबर पर आ रहा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जबरदस्त कंपटीशन रहे लास्ट, बहुत सारे कंपटीशन देखे। इसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो कंपटीशन में मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि कौन सा नंबर वन है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इस चीज़ पे नहीं बता सकता। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसको नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मुझे सबके साथ काम करना है। टू बी फ्रैंक, बिल्कुल ओपन माइंड से बता रहा हूँ, मुझे सबके साथ बताना। मैं जानता हूँ कि कौन नंबर वन है, कौन नंबर टू है, कौन नंबर थ्री पे है इन तीनों में से, मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन क्या है दोस्तों, मुझे देखो सबके साथ काम करना और सबकी फैन फॉलोइंग को अपना प्यार चाहिए मुझे। मैं एक को बता दूं तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, राकेश भाई तू ये काम कर रहा है। दूसरे का नाम ले दो तो पहले वाले के नाराज हो जाएंगे, राकेश भाई तुम गलत बोल रहे हो या ये सही बोल रहे हो। क्योंकि और दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते ही अंधेरा छाने लगा। आप सब देख सकते हैं कि मेरे पैक में कैसे कैसे, पहले रोशनी थी, बिल्कुल लाइट था आ रही थी, और अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट वगैरह जल गई है और सामने की रोशनी, पार्क की रोशनी भी, पार्क की भी लाइट जल गई है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कितना सुंदर व्यू लगने लगा, शाम का समय का व्यू एक अलग ही हो जाता है। हाँ, और ये बंदा भी मेरे साथ साथ ही बैठा हुआ है यहाँ पर, ठंड में सुकड़ रहा है। क्यों बाकी बेटा, तू तो अंदर चला जा बाबू। हाँ, तू क्यों बैठा, तू भी मेरे साथ ही रहेगा? हाँ, मैं भी आप ही के चाथ लूँगा। ठीक है, तो ये भी देख रहा ब्लॉग बनाते, ये भी ट्रेंड है, आगे इसके खुद के पर्सनल ब्लॉग भी आएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अंधेरा होने लगा, अब मुझको अंदर चले जाना चाहिए। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, हाथ काँप रहे हैं और जल्दी से हाथ दुखने भी लगते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, और भी बहुत सारी अभी जानकारी देनी बाकी है, लेकिन अभी तक की जानकारी इतनी बहुत है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, आपको मेरे ये सजेशन, यानी मेरी ये ओपनिंग, मेरे पर्सनल डिसीजन कैसे लगे एट प्रेजेंट बताएं, जरूर बताना कि राकेश भाई आपने सच बोला या आपने झूठ बोला या आपने दुराहत किया, फेवर लिया यानी पक्षपात किया, तो ये जरूर बता के जाना आप लोगों को। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखे तो जरूर लाइक करके, ये कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि राकेश भाई आपने जो बताया वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बिरादरी को अगर साइड में रख के बात करोगे तो सच बोलोगे, लेकिन बिरादरी का फेवर रख के बोलोगे तो फिर आप एक ही तरफा बात करोगे, चाहे इसमें अनुज और कसाना वाले हों या आपके अमर वाले हों, तीनों के तीनों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर, इंतजार करना, आगे बहुत सारी डिटेल बताऊँगा।